हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ए फेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। स्वागत है एक नए ब्लॉग में आपका। और आज की सुबह हमारी हो रही है देहरादून से। फिलहाल अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं उठ गया जल्दी, बिकॉज मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी। जीना भी सोई हुई है, तो उसको भी थोड़ी देर बाद उठाता हूँ, देन विल गो आउट एंड एक्सप्लोर। सो मिलते हैं थोड़ी देर में हमसे बाहर सीधे। तो हम लोग निकल चुके हैं, अभी अभी बस होटल से निकल ही रहे हैं बाहर को। और यहाँ से हमारे होटल से 23 मिनट का रास्ता है। रॉबर्स केव एक जगह है, गुपचुप पानी बोला जाता है उसे। तो अभी पहले रॉबर्स केव चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन है या क्या सीन बन पाता है। अभी कंटिन्यू करते हैं रॉबर्स केव की तरफ। फिलहाल अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो ट्रैफिक इतना है नहीं। 8:06 अभी, सो वैसे 7:30 निकलना था, लेकिन ठीक है अभी इतना भी ज़्यादा जल्दी मचा के कोई कुछ क्या कर लेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर है, सो इट्स 23 knots। मौसम सुबह सुबह खुल गया, ठंड यहाँ पे इतनी है नहीं। नॉर्मल दिल्ली जितनी ठंड है, जितनी दिल्ली में चल रही है उतनी ही है यहाँ पे, तो उतनी ठंड तो बर्दाश्त की जा सकती है। बीच में एक जगह पे गलत रास्ता पकड़ लिया था हम लोगों ने, तो पुलिस वाले भाई साहब से पूछा, उन लोगों ने बता दिया रास्ता कि आप आगे आ गए हो गलत, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो फाइनली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जगह पे मैं दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ। इस जगह के बारे में मेरे को मेरे फ्रेंड सैंडी सर ने बताया था, बिकॉज उनकी स्कूलिंग देहरादून में हुई है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसी एक जगह है देहरादून में जो कि बहुत सुंदर है। और ये डॉगी डॉग रोटी लेके जा रहा है, तो मैंने जब पहली बार देखी तो मुझे सच में लगा कि यार जगह सच में ब्यूटीफुल है बहुत। और इस तरफ भी आपको कैंप शैम्प मिल जाएंगे रहने के लिए, डबल स्विमिंग पूल भी है। इस सर्दी में पूल स्विमिंग कौन करना चाहेगा, सर्दी में गर्मी में तो चलता होगा। तो ये है टिकट काउंटर, 35 rupees पर पर्सन टिकट है, प्लस पार्किंग चार्जेस है। तो हमने 70 रुपये दो लोगों की टिकट होता। हाँ जी, इधर वाल, इधर से ये वाला बंद हो। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, तो पहले जो एंट्री थी वो यहाँ से थी, बट अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो साइड से एंट्री है। और जैसा मैंने बताया, दो लोगों की टिकट 35 rupees पर पर्सन प्लस पार्किंग चार्जेस, इन टोटल 110 rupees वी पेड। तो ये था एंट्री डोर, पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। सो ये रास्ता है, यहाँ पे छोटी सी रिवर स्ट्रीम है, और ये सामने अपना गोलू लाला है। आई थिंक सो। सो अभी हम लोगों ने मास्क उतार दिया है, बिकॉज कोई है नहीं हमारे अलावा यहाँ पे। और शूज़ पहने हुए हैं, आगे चप्पल मिल जाएगी, बिकॉज पानी में जाने के लिए चप्पल लेने पड़ेंगे। जीना इज़ नॉट इंटरेस्टेड। और बाहर काफ़ी सारे शॉप्स हैं खाने पीने के, जहाँ बैठ के आराम से खा पिया जा सकता है। अभी चलते हैं, फिर आके चाय पियेंगे। हाँ, यहाँ पे सर्दी में चाय का मज़ा अलग है। तो अभी फ़िलहाल, हाँ तो जंगल में है, थोड़ा बहुत ठंड होगा यार, बट उतना नहीं है। कनातल की जितना माइनस में नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर होगा 7-8 degrees जो चल रहा है फिलहाल अभी। तो ये पानी है यहाँ पे, और जहाँ तक मुझे लगता है मुझे इसे और ऊपर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो जा नहीं रही। अच्छा, इसके अंदर हम गए थे, वहाँ तक जा सकते हो? नहीं, गर्म पानी है, भाप उड़ रही है, देख लो। तो ये रास्ता है, अब पैर डाल के देखते हैं कि कितना ठंडा है पहले। सही है, नॉर्मल है, इतना नहीं है। आ जाओ,
आ सकते हो। नहीं आओगे? सो जीना इज नॉट कमिंग। आप मेरा बैग ले लो फिर। आई विल गो इनसाइड। मेरा फोन कहाँ है? वो गाड़ी में ही लगा हुआ है। मैं लाता हूँ यार। चाबी उसकी इसी बैग में है। इसमें? हाँ। अंकल को बोल देना अंकल फोन गाड़ी में रह गया, मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो एक्साइटमेंट में फोन गाड़ी में ही भूल गया। अभी जीना शी इज गोइंग देयर। मैं जा रहा हूँ यार। पानी है ठंडा यार, भाप उड़ रही है, लेकिन द वाटर इज जाम कोल्ड। आप देख ही सकते हो पूरा भाप भाप उड़ रहा है अंदर, अगर कैमरा कैप्चर कर रहा हो इसे तो। समझ में आने के लिए बेस्ट प्लेस है ये। तो अंदर डुबकी लगाई जा सकती है। अंदर एक पूरा पूल बना हुआ है जहाँ पे आराम से आप इंजॉय कर सकते हो वाटर को। और यहाँ पे थोड़ा लाइट का सीन है क्योंकि अपना गोप्रो है तो इतना कैप्चर करेगा नहीं, तो फिलहाल लाइट ऑन कर लेते हैं। दो माउंटेन के बीच से स्ट्रीम निकल रही है, बिल्कुल वैसा ही रास्ता है। आई थिंक ऐसे ज़्यादा फुल व्यू आएगा पीछे। सॉरी अभी गिरने वाला था। सो ये है रॉबर्ट के गुपचुप पानी और अपने ऊपर ऐसा है रास्ता पूरा, और ये काफ़ी अंदर तक बना, और ये पूरा का पूरा ऐसा दिखाई देता है। और बहुत ज़्यादा ठंडी है यार। ये जो पानी की आवाज़ आ रही है मेरे पैर से आ रही है, बिकॉज पानी काफ़ी गहरा है तो चलते वक्त दिक्कत हो रही है। तो ये है पूरा गुपचुप पानी। जैसा आप देख पा रहे हो चारों तरफ ऐसा है चारों तरफ। हमने अभी चलते हैं आगे और कितना जा सकते हैं, पानी की गहराई पर डिपेंड है। और ये सारे पहाड़ ऊपर जैसा आप देख पा रहे हो। सो जैसे मूवीज़ की सॉन्ग्स की शूट होती है बाहर देश में, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। इसका लाइट वर्जन है थोड़ा, बट है अच्छा। और ऊपर पूरा जंगल, और जंगल के बीच ये पूरी दो पहाड़ों के बीच से ये रास्ता बना हुआ है, और काफ़ी अंदर तक है ये। अगर आगे आपको दिखेगा वहाँ पे, वो पानी का एक पूल सा बन गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आराम से आप समझ में आओगे तो एंजॉय कर सकते हो बैठ के आराम से। और अभी पानी से अगर आपको दिख रहा होगा भाप उड़ रही है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है और पानी जो है वो थोड़ा गर्म है इन कंपैरिजन टू द टेम्परेचर आउटसाइड। तो अभी फ़िलहाल आगे चल रहे हैं इसी रास्ते में वापस बाहर की तरफ। और यार देखो एक बार से, आने लायक जगह है, इतनी सुंदर है। बस बारिश के टाइम पे अवॉइड करो, बिकॉज पानी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। मैं एक बार आके गलती कर चुका हूँ,
और कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ बाहर तक आया और मुझे वापस भेज दिया गया बिकॉज आई एम अर्ली पर्सन और सुबह सुबह फ्लो बहुत तेज़ होता है यहाँ पे, तो वापस जाना पड़ा सीधे। भाप देख ही रहे हो आप मुँह से कैसे निकल रही है सब। सो अब बाहर की तरफ जा रहा हूँ मैं बिकॉज आगे जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, तो आगे मैं जाना नहीं चाहता और मेरे पैर जो है सब पूरे फ्रीज हो चुके हैं। आई होप जीना को फ़ोन मिल गया, बस हाँ गाड़ी में ही बोला है। आदत नहीं है यार गूगल मैप यूज़ करने की, तो जब यूज़ करते हैं कई बार स्टैंड पे ही रह जाता है। लकीली यहाँ पे पार्किंग पास है, अगर दूर होती तो शी वुड हैव किल्ड मी। उसको अंदर नहीं आना था तो इट्स काइंड ऑफ अ पनिशमेंट फॉर हर, बट अगर फ़ोन नहीं मिला देन इट्स काइंड ऑफ अ पनिशमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। So she got the phone. So which is a good thing. So भाई मज़ा आ गया, पैर ठंडे पड़ गए एकदम, पैर ठंडे पड़ गए एकदम, और अभी पैर पूरे पोछे हैं टॉवल से, अब शूज़ पहनूंगा। यहाँ पे आपको चप्पल मिल जाते हैं 10 रुपये रेंट है अगर खो देते हो, अगर खोने पे 100 रुपये, अगर चप्पल खो जाते हैं तो 100 रुपये। मैगी चाय सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, तो अभी मैगी ऑमलेट और चाय बोला है, तब तक शूज़ पहनते हैं यार बिकॉज पैर एकदम ठंडे हो गए। एक भाई मिले थे अभी, ही इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पुणे, तो वो भी अंदर गए और इस ठंडे में अंदर पूरा नहा के आए हैं। सो मैं अगर कैरी कर रहा होता क्लोथ्स वैसे तो मैं ज़रूर जाता अंदर, बट अभी फ़िलहाल यार आई डोंट वांट टू फॉल सिक बिकॉज जीना ड्राइव करती नहीं है, मुझे अकेला ड्राइव करना पड़ेगा तो रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। तो भाई चाय अपनी आ रही है, चीयर्स। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, मोमो, चिकन मोमो, चाउमीन, मैगी, अंडा ब्रेड सब मिल जाएगा, तो जिसको भी आना हो सुबह सुबह आए। सुबह सुबह भीड़ कम होती है यार एक्चुअली, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह प्रेफर करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ ताकि परेशान ना होना पड़े। तो अभी चाय और ब्रेकफास्ट निपटाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्यूट सा पपी है और पीछे उसकी मदर है। सारे लावारी सारे लावारी। अच्छा जी। सो यहाँ पे यार बहुत सारी पीछे शॉप्स हैं, यहाँ पे जो भी तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो खाना खा सकते हैं। यहाँ पे आग जलाई हुई है, चल जा। इट्स अ नाइस प्लेस यार। 11-12 बजे के बाद तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस तरफ, बट उससे पहले अगर आ जाओ तो शांति में यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम, अ क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर। सो अभी बैठ के नाश्ता किया और यहाँ पे बहुत सारे लावारिस डॉग्स हैं। जीना इसको भी दे दो, जा 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 जा। उधर तो उसको देखो, उसको तो देखो, ये ले चलो खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। सो वहाँ पे जीना ने सबकी पार्टी करा दी है और यहाँ पे ये पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा। कल जब देवलसारी टेंपल गए थे यार वहाँ पे वी वर मिसिंग दिस, कि अगर कुछ होता तो यार वो रानी और बिस्किट को कुछ खिला देते, बिकॉज ऊपर तक आए थे हमारे साथ यार और रास्ते में कोई शॉप भी नहीं थी और हमने कुछ कैरी भी नहीं कर रहे थे खाने का, बट यहाँ पे शॉप थी तो चलो।
सो इसको मैंने बोला स्नैक्स लेने के लिए, इसने दुकान खरीद डाली है स्नैक्स के नाम पे। और लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे यहाँ पे, मैं, भरत, उदय, लीमा, दीपक, तो यहाँ पे बैठे थे, फोटोज खिंचवाई थी यहाँ बैठ के। इफ़ यू गाइस आर वॉचिंग, यहाँ बैठे थे, फ़ोटो भी है हम लोगों की यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, इसके पैर पे लगी हुई है शायद। हाँ, शी इज इंजर्ड। तो अभी चलते हैं यहाँ से।